बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नायब सिंह सैनी ने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सैनी ने इस विजय को जनता का विश्वास करार दिया और कहा कि हरियाणा में आप कांग्रेस को नकार दिया गया है, कांग्रेस का झूठ हरियाणा में नहीं चला। उधर अनिल विज ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले दिन से मालूम था कि बीजेपी फिर जीत का परचम लहराएगी। अनिल विज हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हमारे नेता बोल सकते हैं, कह सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरी सभी उच्च लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है। उन्होंने आकर के हरियाणा के अंदर सभी हमारी बड़ी उच्च लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी है, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी है, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे विप्लव कुमार देव जी हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं और हमारे सतीश पूनिया जी हैं, हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, अब आगे की प्रक्रिया कब होगी? प्रधानमंत्री से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं विच को लेकर कि वो बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, और विवादों से दूर रहते हैं नायब सिंह सैनी, और इसीलिए अनिल विज ने अगर कोई भी चीज ऐसी कही है कि उनको पहले से मालूम था, ठीक है, या मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, इन सब चीजों पर नायब सिंह सैनी ने कहा वो बड़े नेता हैं, वो कह सकते हैं। और नायब सिंह सैनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जो वहां पर चुनाव प्रभारी, तो उन सबसे मुलाकात होगी आज, और उसके बाद तय किया जाएगा कि विधायक दल की बैठक कब होगी और प्रवेशक कौन कौन जाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। खैर, ये महज औपचारिकताएं ही होंगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी को प्रधान जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो पेश करके बीजेपी चुनाव में गई थी और ये कहा था कि अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी होंगे, और जिस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 2014 में 47 सीटें जीती थी, 19 में 40 सीटें और अब जो है 48 सीटें जीती हैं, यानी 14 से भी बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो इसमें है कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने प्रॉमिसेस, जो भी वादे किए थे, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है बीजेपी की हरियाणा में, जिसको लेकर अति उत्साहित वहां के मौजूदा सीएम दिखाई दे